No, good evening, Navika, and good evening to all my wonderful fellow panelists. Now, I've been quite enjoying this. In fact, this tete-a-tete between Sirsa ji and Atishi ji. And if both of them don't mind, I'm going to take both of them to task. Because if you were to right-click the word hypocrisy in Microsoft Word, Navika, the first synonym you will get is aap. पर मैं उस पर बाद में आऊंगा. सिरसा जी इज वैक्सिंग इलोक्वेंट अबाउट अरविंद केजरीवाल एंड इज सपोर्ट फॉर खालिस्तानी. मैं सिरसा जी को रिमाइंड कर दूं, आज सिरसा जी आप बुरा नहीं मानिएगा, आप बीजेपी में हैं, लेकिन 11th जून 2019 आपने कहा था डंके की चोट पे कि सेंटर शुड अपोलोजाइज फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार, भिंडर वाले इज नॉट अ टेररिस्ट. आई एम कोटिंग यू. अगर उसने सिक्खी को बचाने की कोशिश करी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है. आज आपके क्या व्यूज हैं सिरसा जी भिंडर वाले पे, ये मैं बाद में पूछूंगा आपसे, या नाविका जी आप पूछिएगा. अब मैं मुद्दे पे आता हूं. आतिशी जी इसको चीज को डिफेंड कर रही हैं, और कल से राघव चड्ढा जी और आपने भी कहा है कि जो भी चैनल इसको दिखाएगा, जो जो कुमार विश्वास ने कहा है, वी विल टेक लीगल एक्शन. दिस इज हिपोक्रेसी टू द पावर ऑफ इंफिनिटी. देयर होल पार्टी इज बेस्ड ऑन एलिगेशन एंड शूट एंड स्कूट. आप खुद जानते हैं इन्होंने शीला दीक्षित तक को अंबानी का दलाल कहा है, एक प्रूफ आज तक नहीं दिया. और मैं ये जानना चाहता हूं नाविका, दो सवाल है. नंबर वन, व्हाट कुमार विश्वास हैज सेड अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल इज द इक्विवेलेंट ऑफ अमित शाह अलेजिंग समथिंग अगेंस्ट नरेंद्र मोदी. अगर मान लीजिए अमित शाह ने कोई ऐसी बात कही होती पिछले 24 घंटे में, आप और सारे नेता सारे पॉलिटिशियंस इस पे लगे होते कि इस पे नरेंद्र मोदी जी आप इस पे खुलासा करिए, खुलासा करिए. नंबर दो नाविका, दिस इज फाइनल, लोहा इज लोहे को काटता है. अगर अरविंद केजरीवाल ने आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया अपनी एलिगेशन का, तो कुमार विश्वास हुई द को फाउंडर ऑफ आप, वो प्रूफ क्यों दे. और फाइनली आप ये आतिशी जी से जरूर पूछिएगा, ये देखिए अगर आप देख सकती है, ये अप्रैल 11 टाइम्स नाउ की ही रिपोर्ट है. अरविंद केजरीवाल इज एलेजिंग दैट पाकिस्तान कैरिड आउट पुलवामा अटैक टू बेनिफिट पीएम मोदी एंड ही स्ट्रेसिंग दैट देयर इज अ सीक्रेट पैक्ट बिटवीन इमरान खान एंड नरेंद्र मोदी. नाविका प्लीज आस्क आतिशी जी, व्हाट इज द प्रूफ अरविंद केजरीवाल हैड ऑफ एलेजिंग अ सीक्रेट पैक्ट बिटवीन इमरान खान एंड नरेंद्र मोदी. प्लीज आस्क हर, आई बेग ऑफ यू. No, but before I say that, Navika, I have a grouse to pick with you yet again. I mean, just because I don't have a red glistening iPhone 13 Max Pro like you do, why do you ignore me so much? मैंने आपसे दो रिक्वेस्ट करी. सॉरी 13 नहीं है, कवर है इसके ऊपर चढ़ा हुआ, पुराना है आईफोन. इट्स नॉट रेड एट ऑल, आईफोन ही है ना, चाइनीज तो हाँ है, पर 13 नहीं है. इट्स ऑन माय विश लिस्ट बट नेवर माइंड. नो, आई हैड टू रिक्वेस्ट. मैंने आपसे कहा था कि आप सिरसा जी से पूछिए कि डज ही स्टिल स्टैंड बाय हिज जून 11 2019 स्टेटमेंट दैट जर्नैल सिंह भिंडावाले वाज नॉट अ टेररिस्ट. रिस्पॉन्स सिरसा साहब, स्ट्रेट क्वेश्चन बाय डॉक्टर आनंद रंगनाथन, इधर उधर मत करिएगा, सवाल का सीधा जवाब दीजिए. ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिंपल, डज ही स्टिल स्टैंड बाय इट. अभी मीनवाइल माय सेकंड ग्राउस टू यू नाविका जी, प्लीज आस्क आतिशी जी, व्हाट इज द प्रूफ अरविंद केजरीवाल हैड व्हेन ही सेड दैट देयर इज अ सीक्रेट पैक्ट बिटवीन इमरान खान एंड नरेंद्र मोदी फॉर पुलवामा. व्हाट वाज द प्रूफ अरविंद केजरीवाल हैड. See, Navika ji, we respect whatever decision the election commission takes. I think the election commission in India has always been beyond reproach. I think in terms of having free and fair elections, India has one of the most outstanding institutions. So we respect whatever decision they take. This question is a question that needs to be answered by the BJP, by the Congress party, by the Akali Dal, of this unholy alliance of these three parties, is why in the last 5 years, jahan pe unki sarkar rahi hai, why have they not investigated? Why have they not taken action?